पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। तो वहीं लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में भी आज भव्य तरीके से त्रिवेणी श्रृंगार किया गया। वो बताते कि डॉक्टर विवेक तांगड़ी महाराज जी की माने तो ये जो त्रिवेणी श्रृंगार था तिरंगे के जो थीम पर इसको वहाँ पर तैयार किया गया था। उसके बाद में श्रृंगार विधिवत तरीके से किया गया। फिर जो बजरंग बली को उसको जो है जो तिरंगा जो पूरी टेंट में बना हुआ था वो उनको उड़ाया गया। साफ तरीके से आप देख रहे हैं कि जो आपको दृश्य में ये नज़र आ भी रहा होगा। आपको बताते हैं कि लेटे हुए महाराज जी का बजरंग बली का ये मंदिर बहुत ही पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर लगती है। और ये जो अनोखा जो बजरंग बली का लेटे हुए मंदिर है बहुत ही पौराणिक है। तमाम यहाँ पर सामाजिक कार्यों के साथ में हमेशा विवेक तांगड़ी महाराज जी लगे रहते हैं। साथ में तमाम जो लोग हैं वो निःशुल्क भोजन भी यहाँ प्राप्त करते हैं। ये लगातार अन्य चीज़ों को लेकर भी जो विधवा तरीके से यहाँ पर श्रृंगार से लगा के होते रहती हैं और लोगों का जो जुड़ाव है ये मंदिर में आपको बताते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। अपनी भावनाओं के साथ में अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। फिलहाल आज का जो त्रिवेणी श्रृंगार जो है बजरंग बली का किया गया उसको लेकर खासाएँ चर्चा भी रही। जो अपने साथ साथ पूरे समाज को खराब कर रहे, 76 वर्ष पूर्ण हो गए और यहां पे मेरे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, कुछ ऐसे भी शायद होंगे जो 76-77 वर्ष के हों, या मेरी आवाज पहुंच रही हो या ये लाइव के माध्यम से सुन रहे हो। उन्होंने स्वतंत्रता जिया है, परतंत्रता का विश्व देखा है कि कैसे अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किए, हमारे अपने देश के धर्म ध्वज को, अपने देश के राष्ट्र ध्वज को, अपनी धर्म मान्यताओं को, अपने प्रकार से जीवन शैली जीने को कैसे रोका गया है। शायद वो दिन हमको देखा होता या हमको मिला होता तो हम वास्तविक स्वतंत्रता जान पाते। हमको तो पालने में डाल के स्वतंत्रता दे दी गई है। और अब आजकल के युवाओं को तो खास तौर से जो अभी 16-17-18 साल के हैं, ये तो एसी में पैदा हुए हैं, इनको स्वतंत्रता और परतंत्रता का भेद क्या पता है।